बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू फजर फूड विलेज। आज हम आपके साथ इजी और मज़ेदार रेसिपी शेयर करेंगे, लच्छा चिप्स। और इसके लिए हमने जो है 3 अदद आलू ले लिए हैं। चले हम इसको जो है ग्राइंड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आलू को जो है हमने ग्राइंड कर लिया है। अब हम जो है इसको आइस वाले पानी में डाल देंगे। ये एक बोल में हमने आइस ले लिया है और आलू जो है हम सारे इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 10 मिनट के लिए जो है हम इसको ठंडे पानी में छोड़ेंगे। 10 मिनट बाद फिर हम इसको निकाल लेंगे। तो 10 मिनट हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो है हम इसका दोबारा जो है पानी चेंज करेंगे। हम 1 से 2 पानी जो है हम इनको धोएंगे। अब जितना इसको अच्छी तरह धो लेंगे आलू को, उतने ही अच्छे जो है ना वो आपकी लच्छा चिप्स बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी जो है ये तीसरी दफ़ा मैं पानी में इसको डाल रहा हूँ। ये 3 दफ़ा 4 दफ़ा आप धो लेंगे तो उतना ही अच्छा जो है ना लच्छा चिप्स जो है ना आपकी बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 3 पानी जो है हमने इसको धो लिया। अब जो है हम पानी जो है इसका अच्छी तरह वो निचोड़ लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी जो है ना वो इसके अंदर सारा अंदर से निकालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू जो है हमने पानी अच्छी तरह निचोड़ लिया है और 1/2 टेबल स्पून जो है हम इसमें मिक्स मसाला डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1/2 टेबल स्पून जो है वो हम इसमें रेड चिली पाउडर डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टीस्पून जो है हमें ब्लैक पेपर डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 अदद जो है हम इसमें कॉर्नफ्लावर डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब जो है हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और माशाल्लाह बहुत मज़ेदार बनती है ये रेसिपी। आप बच्चों को भी जो है टिफ़िन में दे सकते हैं। नमक हमने नहीं डाला, नमक हम बाद में डालेंगे। आलू जो है ना पानी छोड़ देते हैं। इसको जो है अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अभी जो है ये 1 टीस्पून जो है इसमें मैं नमक डाल दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। और ये लच्छा चिप्स जो है हमारी बहुत मज़ेदार बनेगी इंशाल्लाह। आप भी ट्राई करें, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। तो मसाले जो है हमारे अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं, देखें। तो 10 मिनट के लिए जो है हम इसको छोड़ देते हैं। 10 मिनट के बाद हम इंशाल्लाह इसको फ्राई करेंगे। तो 10 मिनट हो गए हैं। तो अभी जो है हम लच्छा चिप्स जो है वो फ्राई करते हैं। तो कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लच्छा चिप्स रेसिपी जो है वो हम इसमें डालेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह ये बहुत ही टेस्टी बनती है। आप बच्चों को जो है वो बना के स्कूल के लिए टिफ़िन में दें तो बच्चे, आपको पता है ये ऐसी चीज़ें तो बहुत खुश हो के खाते हैं। तो देखें माशाल्लाह, मैं अभी साइड चेंज करूँगा। तो देखें हल्का ब्राउन जो है ना वो हो गया। तो आपने जो है ना वो आग जो है वो तेज़ नहीं करनी, हल्की आंच पे पकाना है। तो देखें माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है।
अभी इसको मैं जो है निकाल लेता हूँ। देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी जो है हम इसको डिश आउट करेंगे निकाल के। आपने ज़रूर बनाना है, बना के तो आपने एक दफ़ा ट्राई करनी है। तो लच्छा रेसिपी हमारी रेडी है। तो देखिए माशाल्लाह बहुत टेस्टी और मज़ेदार बनी है, माशाल्लाह बहुत क्रिस्पी बनी है और बहुत टेस्टी बनी है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़। सलाम अलैकुम।